थोड़ी सी लगी टांग में बस। क्या यार ज्यादा गंदी हालत होने वाली है हमारी यार, क्या बोलते ले ले पास, चलो फिर चलते हैं। कोई ठंड नहीं है, कोई ठंड नहीं है। व्लॉग मेरा इट्स अ प्रॉपर व्लॉग, नाम चेंज होने वाला है, चेंज करेंगे बस। अभी तक रुके हुए थे हम यहाँ पे, एक्चुअली में आग लगी हुई थी ना तो थोड़ी देर रुके यहाँ पे। पिछली वीडियो में जो पहला कमेंट किया वो किया है आप मेरे पास जीतने, दूसरा दीपक भडानी ने, और दूसरा कमेंट किया वो किया है आकाश राठौर ने, कमेंट किया वो किया है मासूम आलम ने। और थैंक यू सो मच यार कि आप इतना ज्यादा प्यार दिखाते हो। और जिनको नहीं पता फिर से बता देता हूँ, जो मेरी वीडियो में पहले 3 कमेंट आते उनका शाउट आउट हर अगली वीडियो में आता, तो जल्दी हो सके नीचे जाके कमेंट कर लो भाई। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इब्रार व्लॉग्स। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। आज का व्लॉग इवनिंग से शुरू हो रहा है और आज लॉन्ग सी ट्रिप पे निकल चुके हैं भाई, काफी मजा आने वाला है। जो लास्ट ट्रिप थी भाई लिट ट्रिप भी नहीं गए, मैं घर गया था भद्रवाहा वाला, बाइक्स पे गए थे तो काफी मजा आया था वहाँ पे। अपने भद्रवाहा ट्रिप नहीं देखी तो जाके वो भी देख ले, मैंने भद्रवाहा ट्रिप करके एक पूरी लिस्ट बनाई हुई है जहाँ पे हमने कैंपिंग की थी, ढेर सारी मस्ती की थी भाई, काफी ज्यादा मस्ती। तो बस वैसी ही ट्रिप होने वाली, लेकिन भाई ठंड से काफी बुरी हालत होने वाली है। एक व्लॉग शुरू कर रहा हूँ मैं जम्मू से, और बस ऊपर वाले का साथ रहना चाहिए और ठीक ठाक तरीके से हम शाहदरा शरीफ पहुंच जाने चाहिए। तो भाई बहुत लंबी ट्रिप होने वाली है, बस दुआ करना कि अच्छे से हो जाए। टाइम हो रहा 6:30 और अभी हम निकल रहे हैं आफू के घर से भाई। देखो ज़्यादा लेट हो चुके हैं भाई, 6:30 यहीं बज चुके हैं, अंधेरा पड़ चुका है यहाँ पे। तो अब होप करते हैं कि यार आज का सफ़र हमारा अच्छा जाए, और प्रे करना भाई आगे का सफ़र भी अच्छा जाए। जब आप ये वीडियो देख रहे हो उसके बाद भी हम सफ़र में ही होंगे, तो भाई प्रे करते रहो कि हमारा सफ़र अच्छा जाए। पहुंच चुके हैं पिट स्टॉप पे, प्लान तो था नहीं रुकने का, लेकिन आमिर भाई कहते थोड़ा बहुत सामान लेना है यहाँ से, तो इसलिए हम रुक गए थे यहाँ पे। देख रहे हो एक नाजी क्या बात है। तो जहाँ जाऊँ वहाँ बब्बर बब्बर कर देते हैं, पता नहीं क्या हो गया। तो अभी निकलेंगे यहाँ से, तो अभी निकलेंगे यहाँ से, हमने सोचा तो नहीं था रुकेंगे यहाँ पे, पर फिर डलाया सिद्रा में ही मैंने, और ये पहले से डरा के आए थे। तो बने रहो, ना मेरे पास ग्लव्स है और ना मैंने लोअर पहना हुआ, पता चलेगा ग्लव्स है गाइस झूठ बोल रहे नहीं है भाई नहीं है। तो अब निकलते हैं यहाँ से, फाइनली हम निकल चुके हैं यहाँ से भाई। अब पता नहीं सफर कैसा रहने वाला है। एक्चुअली मेरे पास ग्लव्स नहीं है, विदाउट ग्लव्स जा रहा हूँ मैं सर्दी में भाई, हालत बहुत ज्यादा खराब होने वाली है। तो भाई चलो निकलते हैं, ट्रिप सेट कर लेते हैं यार। मेरे को नहीं पता आवाज कैसी आ रही कैसी नहीं। भाई का व्लॉग शुरू हो चुका है विनी से भाई, काफी मस्त ट्रिप मीटर जीरो कर दिया है, तो भाई काफी ज्यादा मजा आने वाला। मेरे हेलमेट के अंदर हवा कहाँ से घुस रही है भाई, थोड़ी देर के लिए कहते हैं आमिर भाई के फैन देखो कैसे मिल जाते हैं। हम पूरा अखनूर भी नहीं पहुंचे हैं भाई, टाइम इतना ज्यादा हो चुका था, मेरे को समझ नहीं आ रही इतना लेट क्या कर रहे हैं हम। तो चलो यार जो भी है काफी ज्यादा मजा आने वाला है यार, पता मैंने सोचा नहीं था कि इतनी लेट नाइट हम अपनी राइड शुरू करेंगे। फिर आमिर भाई के फैन पहुंच जाते हैं, तो आमिर भाई की ड्रैगन देखो भाई, ड्रैगन भाई ड्रैगन इतनी दूर से दिख जाती ना आपको। भाई हम पहुंच चुके हैं कालीधार, कालीधार करके एक जगह जहाँ पे हमने चाय चाय पीनी है। तो ना हाथ मेरे बिल्कुल पत्थर बन चुके हैं, मतलब इतनी ज़्यादा दर्द हो रही है ना, मतलब दर्द भी हो रही है और इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है ना कि मैं बता नहीं सकता आपको, हाथ बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं मेरे। और यहाँ देखो भाई अपनी बाइक लगी है, एक TRK, एक 300 और RS 200। एक्चुअली मैं भाई यहाँ पे चल रहा हूँ मैं, बिल्कुल जो देख रहे हो बिल्कुल एंड पे ऐसे चल रहा हूँ मैं, इतने कर्व्स है कि कोई कहने की बात नहीं। पर चाय चाय पी लेते हैं, ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही है। यहाँ चाय भी इतना मजा आ गया, चाय के साथ हमने क्या खाया आफू भाई, पनीर के पकौड़े भाई, काफी ज्यादा मजा आया। और एट द एंड ना बर्फी खिलाई आफू भाई ने, पता नहीं वो भी काफी अच्छी थी। एक्चुअली मेरे को मिठाई कुछ ज्यादा पसंद नहीं है, मैं थोड़ी बहुत ही खाता हूँ। अच्छा मेरे हाथ जम गए थे भाई, हम जम गए थे इब्रार, मतलब कोई ठंड नहीं है, कोई ठंड नहीं, कोई ठंड नहीं, बस मैं मरने वाला था और कोई ठंड नहीं है हाथों में, बहुत ऐसे करते थे कोई ठंड नहीं है, कोई ठंड नहीं है। क्या क्या मैं इसको बोल रहा था कि बैग बांस, जब तू बोल रहा था उधर बोलते मेरे पे हिम्मत ही नहीं है। तो क्या बोलता था, मेरे हाथ नहीं चल रहे थे यार, अभी थोड़ा बहुत चाय चाय पी हाथ गर्म हो गया, तो फिर निकलना फिर ठंडे जाने। अगले ब्लॉग जरूर चेक करना, काफी ज्यादा मजा आने वाला है, मतलब जो अपनी राइड होने वाली ना, बस दुआ करना की पूरी हो जाए अपनी जो भी राइड है। कहाँ जाना है हमने, तो डिसाइड तो हम लद्दाख का करके हैं, लेकिन होप करते हैं कि पहुंच जाए लद्दाख। लेकिन ग्लव्स तो भाई लेने पड़ेंगे, वरना मेरी हाथों की हालत ना बहुत खराब होने वाली है।
10:40 हो गया और 10:40 पे हम यहाँ से निकल रहे हैं, समझ सकते हो। हम यहाँ पे भाई कम से कम भी एक घंटा रुके हैं यहाँ पे, और मतलब 9:30 के करीब आए थे और 10:40 टाइम हो रहा और अब जाके हम निकल रहे हैं यहाँ से यार। अब फिर वही बात है, हाथ फिर से इतने ज़्यादा ठंडे होने वाले ना कि बता नहीं सकता आपको मैं। तो चलो भाई निकलते हैं यहाँ से यार, निकल चुके हैं यहाँ से। और तुमने ट्राला देखना, ट्राला ये देखो भाई, ट्राला भाई, ट्राले में इतना सामान भरा हुआ ना कि क्या बताऊँ, मतलब ट्राले से भी ज़्यादा सामान भर दिया। बाइक भी बोलती हो कि पैसे लाया मेरे को यहाँ पे। निकल तो चुके हैं लेकिन हाथों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है यार, क्योंकि मैंने ग्लव्स नहीं पहने भाई, ग्लव्स मेरे जम्मू में ही रह गए हैं। देखना इतनी तगड़ी लाइट है और इसमें लाइट ही नहीं है यार, ये देखो। नहीं भाई TR के बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, मैंने तो भाई प्लान कर लिया भाई, मतलब ना एक हिसाब से 50% शोरूम है कि 50% ही कहूँगा, क्योंकि ना क्या पता आगे जाके और कोई बाइक पसंद आ जाए, क्योंकि मैंने तो अभी तक TR के ड्राइव किया, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता उसको लॉन्ग ट्रिप में। इतना अभी तक रुके हुए थे हम यहाँ पे, एक्चुअली आग लगी हुई थी ना तो थोड़ी देर रुके यहाँ पे। हाथ छाथ सेक लिए, सच बताऊँ ना मेरे हाथों की हालत इतनी ज़्यादा खराब हो गई थी कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरे हाथों में बर्फ़ जम चुकी है, चाची ये भी जम चुके हैं। जाके रुके थे भाई ने, आग लगाई हुई थी तो यहाँ से लगभग अभी 60 से 70 किलोमीटर दूर है, बोला 60-70 किलोमीटर फिर से बिना ग्लव्स के। भाई ग्लव्स, लेट्स गो गाइस, चलते हैं यहाँ से, निकलते हैं सीधा, अब मिलते हैं होटल पे। तो देख रहे हो भाई पिछवाड़ा उठा उठा के बाइक चलानी पड़ रही, क्योंकि इतने ज़्यादा खड्डे हैं ना रास्ते में भाई, ये वाला पोर्शन काफ़ी ज़्यादा गंदा है यार यहाँ पे भाई, बाइक चलाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही। बंदा जब भी थोड़ा सा थ्रॉटल देता है फिर जाके खड्डे आ जाते हैं, देखो क्या करे बंदा यार। ये देखो भाई इतनी ज्यादा गंदी सड़क है ना यार, यहाँ पे फोर वे का काम चल रहा है लेकिन हमारा फोर वे बन जाएगा जब तक ये बन जाएगा, क्या बात है यार, मजा ही आ गया यार। काफी दिनों बाद एक लंबे सफर पे निकले, लंबे सफर पे लंबी ट्रिप पे भाई। ओ भाई साहब यार ट्रक ट्रक से पास ले रहा, और ये देखो फिर खड्डे आ गए रास्ते में यार, काफी ज्यादा गंदी हालत होने वाली है हमारी यार, क्या बोलते ले ले पास, चलो फिर चलते हैं। ओहो हो क्या बात है यार, एक तो ठंड लग रही है ऊपर से जोश कुछ ज्यादा ही चल रहा है भाई, फिर से खड्डे आ जाएगा इसलिए स्लो हो जाते हैं। ये देखो आ गए आ गए आ गए भाई आ गए, आमिर भाई तो सीधा ही ड्रैगन को सीधा हवा में ले जा रहे हो, वो एक नंबर मतलब। ओ हो ये हम जीत गए भाई, ड्रैगन के साथ रेस लगी है वो, क्या बात है भाई। सच बताऊ ना सड़क बहुत ज्यादा खराब है, और आमिर भाई की हरकतें देखो क्या चल रही हैं, मस्ती कभी नहीं जाती इनकी। काफी ज्यादा लग गई यार, वो एक उठ नहीं रही है, हाथों में काफी ज्यादा दर्द हो रही है यार, अभी लग गई यार, स्लिप हो गया यार। ओहो क्या यार, ओ हाथ काफी ज्यादा ठंडे हो गए यार, शिट। ओहो ओहो अरे यार शिट। ओहो हो थोड़ी सी लगी टांग में बस, क्या यार शुक्र करो यार मैं थोड़ा स्लो था वरना बहुत ज़्यादा लग जाती, टांग पे लगी थोड़ी सी यार, टांग में यार एकदम से मैं वहाँ से आया स्लिप हो गया यहाँ पे यार, शिट। देखो यहाँ पे आके बजरी इतनी ज्यादा है ना यार, यहाँ पे बाइक गिर गई थी मेरी यार, हाथ में थोड़ी बहुत लगी है और को कुछ भी नहीं हुआ, थोड़ा बहुत स्क्रैचेस आए एक्चुअल में, हाँ कुछ भी नहीं टूटा एक्चुअल, उतनी जोर से गिरी भी नहीं, कंट्रोल नहीं हुआ, हाथ बहुत ज्यादा ठंडे थे मेरे, तो ग्लव्स ना पहनने के कारण भाई काफी ज्यादा ठंड लग रही थी, और यहाँ पे ब्रेक मारी और पता नहीं ABS ने क्या काम किया नहीं किया, कुछ समझ नहीं आई यार। और आपको पता है अगर थोड़ी सी भी ठंड हो ना और अगर आप थोड़ा सा गिर जाओ तो बहुत ज़्यादा दर्द होती है, बस वही सीन हो रहा कि मैं नीचे लगा और उसमें काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रही, क्योंकि मैं लाइट्स भी नहीं यार कसम से कुछ समझ नहीं आती बिना लाइट से, देखो देख पा रहे हो लाइट खाली आगे वाली बाइक में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। देखो यहाँ पे बस यही सीन है यार, अगर मैं यहाँ पे थोड़ी जोर की ब्रेक मारूंगा ना
एबीएस काम करेगा तो ठीक है, अगर एबीएस ने काम नहीं किया तो भाई काफी ज्यादा दिक्कत हो जाती है। और यहाँ पे ऐसे ही पोर्शन है हर जगह पे, देखो थोड़ी थोड़ी जगह पे ऐसे ही पोर्शन आते हैं। चलिए भाई अभी ना हम रजौरी के आसपास पहुंच चुके हैं, कोई 6 किलोमीटर रहता है रजौरी पहुंचने के। लेकिन एक बात बताऊं, मैं अपनी रिस्ट को हिला नहीं पा रहा हूँ सीधा, मैं अपनी मतलब आम के जोर से एक्सीलेटर दे रहा हूँ अभी, मतलब थोड़ा झुकना पड़ रहा है फिर जाके एक्सीलेटर लग रहा है, वरना मेरे से एक्सीलेटर नहीं लग रहा है भाई। हाथ पूरे जम गए यार, क्या बताऊँ, हाथ मतलब काम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हाथ मेरे अभी तो। यार बस होप करते हैं कि बाइक एक बार पहुंच जाए होटल पे, होटल के बाद देख लेंगे भाई हम कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेंगे। मेरे हाथ सूज गए हैं, मेरे हाथ बिल्कुल सूज गए हैं यार। ये देखो भाई इतने ज्यादा मोटे हो गए ना, ठंड इतनी ज्यादा लग रही है कोई बता नहीं सकता आपको। पहुंच तो गए हैं लेकिन अब हम ढूंढ रहे हैं एक्चुअल में। शहजाद भाई ने हमको ये वाला होटल सजेस्ट किया था कि यहाँ पे आके ही रुकना भाई। चलो पहले बस होप करते हैं कि होटल वाले जाग जाएं भाई, होटल वाले नहीं जागे ना तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। हाँ आ तो गए थे लेकिन इस होटल में रूम ही अवेलेबल नहीं था, होटल नहीं मिल रहा है अब हमको।